हेलो, तो बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ₹16.60 का स्टॉक हो चुका है। लगातार स्टॉक में एक फ्लैट चार्ट पैटर्न के बाद गिरावट जारी है, एक न्यूट्रल जोन बना दिया है, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है लगातार यहां पर। अब देखेंगे तो ₹16.15 से लेकर के ₹18.25 के बीच में ही स्टॉक हमारा लगातार बना हुआ है और फ्लैट चार्ट पैटर्न बनने की वजह से स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं है बहुत बड़ी। 1% 1.5% की मूवमेंट आती है बस, क्योंकि मूवमेंट नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। और यही बड़ा कारण है कि स्टॉक में ना तो गिरावट तेजी से हो रही है ना तो तेजी से उछाल आ रहा है। देखो, वॉल्यूम आना बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एक मोमेंटम होता है चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो, बहुत तेजी से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक हमारा कंसोलिडेट भी करता है, अगर वो 3 से 4% गिरावट में भी आना है और वो जल्दी आता है तो RSI हमारा जल्दी से 60 से निकल करके डाउन साइड पर जाएगा और वहां के बाद एक अच्छी रैली आने की संभावना दोबारा बनती है। बट इस तरह के चार्ट पैटर्न काफी परेशान करते हैं, इंडिसिसिव चार्ट पैटर्न बना रहा है लगातार कि आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि बेच दें स्टॉक को या रुके रहें, क्योंकि लॉस भी बहुत ज्यादा नहीं है और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो करना क्या है, तो बात करेंगे इस वीडियो में कि ट्राइडेंट को लेकर क्या स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए आपके सामने, न्यूट्रल जोन में कब तक बने रहने की उम्मीद है। 17 मई को Q4 के रिजल्ट आए थे हमारे सामने, काफी बिलो एक्सपेक्टेशंस रहे थे हालांकि, बट स्टिल उनका कितना असर है यहाँ पर और उनकी वजह से क्या गिरावट हो रही है यहाँ पर या नहीं, टारगेट क्या होने चाहिए, सब कुछ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट ट्राइडेंट की करें तो एक अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट रनर अप हुआ करता था पहले ये MCAP में, बट अभी ये हाई इन इंडस्ट्री है। 8,480 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, हाई इन इंडस्ट्री है, नंबर वन पर है ये अभी। आलोक इंडस्ट्रीज पहले नंबर वन पर था बट अभी ट्राइडेंट है, तो एक अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है जैसा मैंने बोला आपके सामने। बट प्रॉब्लम ये है कि जब स्टॉक ने तो 52-week हाई लगाया था अभी कुछ दिन पहले और उसके बाद फिर गिरावट हुई है। ₹19.40 का हाई लगाया स्टॉक ने और उसके बाद गिरावट होना संभव भी है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि जब भी स्टॉक 52-week हाई लगाता है तो उसके बाद थोड़ा सा कूलिंग ऑफ पीरियड आता है। वहां पर वॉल्यूम बहुत बढ़िया था, बढ़िया अच्छा एकदम टारगेट पूरा हो गया, उसके बाद अब यहाँ पर फ्री सप्लाई आएगी क्योंकि जिन लोगों का टारगेट पूरा हुआ है वो माल डंप करना स्टार्ट कर देंगे और माल डंपिंग की वजह से लगातार यहाँ पर गिरावट हुई है। पर एक चीज बहुत अच्छी है इस स्टॉक में, वो है कि डिलीवरी परसेंटेज, कितनी भी गिरावट हो जाए, कितना भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में जाए, बट इसका डिलीवरी परसेंटेज अबव 40% ही रहता है। 20 मई को 14.5 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए और 7.2 मिलियन शेयर्स यहां पर बाय किए गए हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग हुई है। ये ट्रेडिंग वाले नहीं अकाउंट होते इसमें लॉन्ग टर्म वाले ही डिलीवरी उठाई गई है। अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए जो डिलीवरी उठाई गई वो ये है 72 लाख के आसपास। उसके बाद अगर हम बात करें 21 मई की तो 7 मिलियन शेयर्स यहां पर बाय किए गए, 68% की डिलीवरी है। उसके बाद बात करें 24 मई की यानी कल की तो 42% की डिलीवरी है, 76 लाख शेयर्स यहाँ पर बाय किए गए फॉर लॉन्ग टर्म। ऐसे में जब गिरावट का बाजार है और बाजार बहुत सपोर्टिव नहीं है हमारे सामने, उस पर भी ट्राइडेंट में खरीदारी लगातार जारी है, लगातार इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा लगा रहे हैं ट्राइडेंट में, ट्राइडेंट को खरीद के रख रहे हैं क्योंकि ट्राइडेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन रहा है और जिस तरह की कंपनी है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हाई इन इंडस्ट्री है और मात्र 20 रुपए के आसपास का शेयर प्राइस रहता है लगातार, ₹16 में अभी मिल रहा है आपको। और आने वाले 3 से 4 महीने में आई गेस कि ये ₹16 को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये एक समय होता है जहां पर आपको एक्युमुलेट करके रखना होता है स्टॉक को या होल्ड करना होता है अगर आपके पास आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक रखा हुआ है। तो बात करते हैं ट्राइडेंट में, देखो गिरावट के कारण तो हमें पता लगे हैं यहाँ पर, बट देखो एक दो बड़े कारण ये भी है कि टेक्सटाइल सेक्टर इस समय पर मंदा चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, बिजनेस नहीं हो रहा है तो यहाँ पर अभी बाइंग करने का फायदा नहीं है। फार्मा बेहतरीन चल रहा है, DKL जैसे स्टॉक अगर हम बात करें डिसमैन कार्बोनेट के तो वो चल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, बट अभी इस समय पर आप देखोगे 140-130 के आसपास वो रहता था शेयर्स लगातार, एक साल से मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसे, बट अब आप देखोगे तो वो 200 पार कर चुका है विद इन 1 or 2 months, ठीक है, 1 month मैक्स टू मैक्स, ठीक है। वो एक चीज यहाँ पर ट्राइड में भी देखने को मिलेगी, या आपने किसी और स्टॉक में लगा रखी है जिसका सेक्टरल टाइम नहीं है अभी तो उसमें भी देखने को मिलेगा, बट आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि एक अच्छा स्टॉक आपके हाथ में है तो वेट करना एक अच्छी स्ट्रैटजी होती है। पहले चूज करो एक अच्छा स्टॉक, उसके बाद पैसा लगाओ और वेट करो, ये ही एक स्ट्रैटजी होती है पैसा बनाने की स्टॉक मार्केट से। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, Q4 के नंबर्स की बात करें, Q4 के नंबर्स काफी ठीक ठाक आए थे, बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत बुरे नहीं थे, बट ठीक थे, बिलो एक्सपेक्टेशन जरूर रहे थे हमारे सामने क्योंकि जनवरी से मार्च में कोई लॉकडाउन नहीं था, यहाँ पर अच्छा बिजनेस करने की संभावना थी, बट बहुत बड़े कोई इवेंट नहीं थे जिसमें खरीदारी की जा सकती है, रमजान वगैरह था वहां पर
तो वो लॉकडाउन के समय पर आया और उस टाइम पर काफी लॉस हुआ, जैसा मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाया था कि काफी करोड़ों का नुकसान हुआ था उस टाइम पर इनकम, क्योंकि लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो वो एक चीज हमें देखने को मिली है। बट फिर भी जनवरी से मार्च का क्वार्टर काफी ठीक ठाक रहा है, मार्जिन में एक ठीक ठाक स्लाइड चेंज है, बट ठीक है, बहुत बुरा नहीं, बहुत अच्छा नहीं है। नेट प्रॉफिट में हालांकि गिरावट हुई थी और यही एक बड़ा कारण था कि स्टॉक में तेजी से गिरावट और न्यूट्रलिटी अब बनी हुई है। ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, डिलीवरी परसेंटेज अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड एक साल में 265% का रिटर्न आपको मिला है, 6 महीने में 110% का और 1 महीने में 23% का रिटर्न आपको मिला है। तो बने रहने की मेरी सलाह आपको रहेगी अभी भी, और बने रहते हुए स्टॉक में तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। बात करें बाजार की भी, क्योंकि बाजार भी एक क्रूशियल पॉइंट पर आ चुका है अपने, और जैसा हमें लगा अभी तक कि 15,100 से लेकर के 15,250 के बीच में स्टॉक मार्केट हमारा ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है, और वही हुआ। कल का वीडियो अगर आपने देखा हो तो हमने बात भी की थी कि एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बुकिंग आई है, और कल मुझे लगता है कि यहीं से चार्ट कैरी करेगा, और वही हुआ। आज भी मॉर्निंग से ही प्रॉफिट बुकिंग यहां पर स्टार्ट हुई, गैप अप ओपनिंग जरूर हुई थी हमारे सामने, बट उसका कुछ खास फायदा मिला नहीं और वहां से गिरावट ही हुई है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें निफ्टी 15,220 के आसपास की क्लोजिंग आई है, यहां पर थोड़ा पुराना है बट 15,250 के आसपास 220 के आसपास की क्लोजिंग आई है हमारे सामने, और बाकी इंडेक्सेस में गिरावट ही रही है। तो मार्केट में इस समय पर प्रेशर बिल्डअप जरूर हो रहा है दोबारा से, रीजन बीइंग कि कोविड-19 भले ही कम हुआ हो बट ब्लैक फंगस इन्फेक्शन बढ़ा और साथ ही व्हाइट फंगस इन्फेक्शन की नई बीमारी आ गई हमारे सामने। तो ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में थोड़ा सा मार्केट के ऊपर प्रेशर बन रहा है, और होल्ड करो बस स्टॉक को, ठीक है, कोई बड़ा बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है आपको, बस होल्ड करना है, शांत बैठना है। बात करें FII DIII की, तो DIII ने पिछले 2 दिनों में माल डंप किया है, कल भी डंप किया था और 21 मई का भी डेटा थोड़ा सा खराब ही आया था हमारे सामने, डंपिंग वहां पर भी हुई थी। तो DIII का माल डंप करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है बाजार के लिए। हालांकि FII FPI जब तक खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर, तब तक बाजार न्यूट्रल जोन में बना रहेगा, और न्यूट्रलिटी ठीक भी है। अगर न्यूट्रल जोन में भी रहता है तो बाजार में वो जो पैनिक मोड है वो ऑन नहीं होगा और लोग माल डंप नहीं करेंगे, और डंपिंग नहीं होगी तो गिरावट नहीं होगी, गिरावट बहुत खतरनाक हो जाएगी। अगर बाजार में गिरावट हुई किसी वजह से तो ट्रायल फिसलता हुआ देखने को मिल सकता है हमें दोबारा से। हालांकि अब सिचुएशन धीरे धीरे करके सुधर रही है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। लोअर साइड पर 16.15 रुपए का आप एक सपोर्ट लेकर के बने रहिए बाजार में, अपर साइड पर बात करें तो 18.25 रुपए का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस जोन है हमारे सामने 18.25-18.20, ब्रेक होता है तो स्टॉक दोबारा से 19.15-19.20 तक ट्रेवल करता हुआ देखने को मिलेगा हमें। बात करें चार्ट की, तो मैग्डी हमारा अभी भी बुलिश जोन में है, न्यूट्रल टू बुलिश जोन आप कह सकते हैं इसे, और हिस्टोग्राम हमारे पॉजिटिव है, यानी कि बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। RSI ठीक ठाक मोमेंटम में है, बाइंग चार्ट पैटर्न है, एक्युमुलेशन का चार्ट पैटर्न है, एक्युमुलेट करो, एक्युमुलेट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट होल्ड करके चलो स्टॉक को, बेचने का डिसीजन ना लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए भी ना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट बिलो, पूछना हो तो।